हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर फैन टू प्ले पावर्ड फैंटेसी मैच रिव्यू। ये है द एलिमिनेटर बिटवीन लखनऊ एंड मुंबई। एक काफी इंटरेस्टिंग गेम होगा एंड वापस ये गेम होगा चेपॉक पर। वी हैव निखिल भाई विद अस टुडे। कैसे हो आप एंड क्या लगता है आपको, कौन होगा विनर इस गेम का? बिल्कुल, दोनों ही टीम काफ़ी इंटरेस्टिंग। एक के पास 12 बॉलिंग ऑप्शन होते हैं, दूसरों के पास 10 बैटिंग ऑप्शन है। कौन सी है, इट्स योर गेस, फ्री टू टेक। पर कंडीशन मुझे लगता है बहुत डिक्टेट करेंगी। मुंबई चाहेगी कि फ्लैट डेक हो, चेस करे वापस क्योंकि दे कैन चेज एनीथिंग, एंड लखनऊ विल नॉट माइंड अ स्लो सरफेस क्योंकि दैट्स हाउ देव सेटअप द एंटायर सीजन। तो और लखनऊ ने यूज भी डोमेस्टिक प्लेयर्स काफ़ी डिफरेंट तरीके से किए हैं, तो मेरे को लगता है दिस गेम इज अ फार बेटर गेम फॉर स्मॉल लीग्स इज वेल। तो इंटरेस्टिंग होगा अगर अच्छी पिच रिपोर्ट मिले तो, ऑब्वियसली। यस, अब पिच रिपोर्ट की बात कर ही ली है तो सीधा चलते हैं वेन्यू कंडीशंस की तरफ। तो गेम खेला जाएगा वापस है चेपॉक। अब ये वाला हम थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, एज कीप इन माइंड हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं बिफोर द फर्स्ट क्वालिफायर। सो हमें कुछ आइडिया नहीं कि कैसा पिच रिपोर्ट होगा फर्स्ट गेम में, उस पर ही डिपेंडेंट रहेगा कि कैसे गेम चलेगा। तो उस बात पे आप जरूर ध्यान रखिएगा। ऑब्वियसली हम टेलीग्राम पे वो बात कवर कर लेंगे, पहला गेम कैसा गया, कैसे पिच रिपोर्ट थी। बट अभी के लिए हमें जो लगता है वो ट्रैक वापस थोड़ा स्पिन को मदद करना चाहिए। ग्राउंड डायमेंशन तो आप जानते ही हो, एंड उसके अलावा यही है कि जो फर्स्ट गेम में हमें दिखता है वही हिसाब से हमें सेकेंड गेम की टीम बनानी पड़ेगी, अंटिल एंड अनलेस कुछ खास डिफरेंस हो। एंड उसके अलावा अगर आपको एक डिटेल इनसाइट चाहिए तो आप प्रीवियस प्रीव्यू का वेन्यू कंडीशन तो देख ही सकते हो क्योंकि उसमें हमने थोड़ा और इन डेप्थ कवर किया है। बिल्कुल, और एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है सबके लिए याद रखना कि उधर एक बंदा इतना साल से क्रिकेट खेल रहा है जिसने एक मैच के बाद बोला कि ड्यू आ गई, तो 160 नहीं 180 चाहिए थे, पहले ओवर में पता चल गया था। तो अगर जो बंदा वहाँ पे इतना क्रिकेट खेला है, और मैं ऑब्वियसली धोनी की बात कर रहा हूँ, तो इफ ही और नो बडी फ्रॉम द मैनेजमेंट हैड एनी आइडिया कि इतनी ड्यू आ जाएगी और इतना स्कोर आगे पीछे हो जाएगा, तो वो रिस्क यू विल ऑलवेज रन रनिंग। तो पिच रिपोर्ट कंडीशंस दे पे ऐसा ध्यान देना कि ड्यू एक्सपेक्टेड है कि नहीं, कितना एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये वेन्यू वैसा है चेन्नई का कि वहाँ पे स्कोर डिफेंड होते हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया वाले गेम में भी देखा था जो ओडीआई हुआ था यहाँ पे, और चेन्नई में के भी मैचेस में आपने देखा कि स्कोर डिफेंड कर सकते हो आप, यू जस्ट हैव टू बैट वेरी वेल इन द फर्स्ट इनिंग्स। तो उसको याद में रख के फिर अपना विजुअलाइजेशन बैक करना, तो जस्ट टू क्लियर दैट आउट। यस, एब्सोल्युटली। सो कीप दैट इन माइंड क्योंकि यहाँ पे कोई भी कितना भी गेस कर ले, एंड ऑफ द डे जो पिच पे होना है वो तो कुछ बॉलर के बाहर ही पता चलेगा। तो चलते हैं बेस टीम की तरफ। तो स्टार्ट करेंगे सीधा कीपिंग सेक्शन से, एंड यहाँ पे तीनों अच्छे हाउसफुल इन फॉर्म कीपर्स, क्विंटन डिकॉक, ईशान किशन एंड निकोलस पुरान। पहले दो जो कीपर है वो कीपिंग करेंगे, पुरान आएंगे एज अ प्योर बैटर एंड आएंगे थोड़ा सा लेट। हमने लास्ट गेम में भी देखा था, इवन दो विकेट बहुत सारे गिरे वो फिर भी 5 डाउन ही आए। एंड जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि जब स्लो ट्रैक है तब मैं इन पे थोड़ा डाउटफुल रहता हूँ, क्योंकि इवन दो इनका फॉर्म अच्छा है, इनके जो ज्यादातर स्कोर आए हैं वो ऐसे ट्रैक पे आए जहाँ पे हर बॉल बैट इवन बाउंस एंड हर बॉल बैट पे आ रहा है। बट ऑब्वियसली स्मॉल लीग में वो रिस्क लेके करेंटली मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों टीम्स की जो डेथ बोलिंग है वो मतलब एकदम वही आता है, मतलब नो अदर वर्ड फॉर इट, क्योंकि दोनों टीम्स आर नॉट रेडी विद देयर डेथ। आमरी, यश ठाकुर थोड़े इम्प्रेसिव रहे लास्ट कुछ गेम्स में, बट उसके अलावा चाहे जॉर्डन हो, बेरेंडोफ हो, जो भी आया है वो खा के गया है इस पूरे इन दोनों टीम से। बिल्कुल, एंड अगेन इंटरेस्टिंग इंसाइट और डिफरेंट पर्सपेक्टिव फ्रॉम माय साइड फॉर पूरन, कि अगर स्लो लो विकेट है तो आपको वैसा बैटर पे रिस्क लेना है जो 15 बॉल में या 20 बॉल में 15 बनाएगा या 20 बनाएगा। पूरन अगर 15 बॉल खेला तो वो 30 बनाएगा, वो 30 में दो तीन बाउंड्री भी होंगी या चार बाउंड्री होंगी, तो वैसा आपको सोचना पड़ेगा। बट अगेन इट इज वेरी स्पेसिफिक टू व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द पिच। अगर रोड है तो भाई पहले बॉल पे भी देखो आउट तो पहले बॉल पे भी हो सकता है, बट फिर मार्जिन ऑफ एरर किस में ज्यादा है। और क्योंकि लखनऊ के पास बैटिंग सेक्शन में और कोई ऐसा प्लेयर चीख के नहीं बोलता है कि भाई मेरे को ले, तो आई थिंक उस लिहाज से देखा जाए तो ऑप्शन फिर आपके पास पूरन का ही बचता है। तो हाँ, हाई रिस्क है पर हाई रिवॉर्ड।
यस फेयर इनफ। तो ये रहा कीपिंग सेक्शन। बैटिंग सेक्शन में दो काफी ऑब्वियस चॉइसेस, रोहित एंड सूर्या दोनों फॉर्म में आ रहे हैं। एंड उसके अलावा जो कंसर्न पॉइंट ये है कि बाकी जो पूरा सेक्शन है वहां पे कोई भी कंसिस्टेंट नहीं रहा है पूरे सेक्शन में, तो इसलिए कोई खास चांस लेके मतलब नहीं है। बट चांस आप एक जगह ले सकते हो वो है रैरियो पर, क्योंकि वहां पे साइन बैट आपको मिल रहा है, तो चाहे कोई और बैटर रन करे ना करे आप रैरियो पर खेल के जरूर अपने रन बना सकते हो, क्योंकि आपको मिल जाएगा 1600 साइन अप बोनस। एंड आपको सिंपली इस फ्री कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है एंड आपको चांस मिल जाएगा मे बी टू गेट अ साइन बैट फ्रॉम फैफ, डेविड वॉर्नर और वन ऑफ देयर एम्बेसडर्स। सो मत मिस करेगा ये चांस। एंड अब चलते हैं आगे की टीम की तरफ। ऑलराउंडर्स में वापस तीनों टॉप पिक्स ऑलराउंडर्स में क्रूनल पांड्या, मार्कस स्टोइनिस एंड कैमरन ग्रीन। निखिल भाई एनी अदर चॉइस दैट यू वांट टू मेक फ्रॉम योर? या एक्चुअली देखो, गौतम भी है, इकोनॉमिकल स्पेल डाल के गए थे पिछले गेम में, कैचेस भी पकड़ते हैं आके, बाउंड्री भी हिट करते, सो डिसेंट ऑप्शन टू ट्राई। अगेन कंडीशन बेस्ड, ये गेम पूरा कंडीशन बेस्ड ही होगा, तो आपकी जो स्मॉल लीग टीम होगी या तो सब में विनिंग जोन में होगी या तो चौथे पे होगी या तीसरे पे होगी, अगर आप वैसे कॉन्टेस्ट खेलते हो। तो मैं कहूँगा ग्रेट है इन टर्म्स ऑफ मल्टी विनर्स, क्योंकि बैटिंग में भी आप देखो तो यू कुड ट्राई नेहल, यू कुड ट्राई तिलक वर्मा। आपको बस ये श्योर होना चाहिए कि वो बैटिंग कहाँ पे करेंगे। बस मेरा मुंबई से वही थोड़ा कंप्लेन जैसा रहा है कि ग्रीन इतने मैचेस में नीचे आए, सडनली ही कम्स अप थ्री, तो फिर आप देखिए जो जो फैंटेसी पोटेंशियल है स्काई का, नेहल का, तिलक वर्मा का, वो सब रिड्यूस हो जाता है। तो वो इसके लिए मैं कहता हूँ विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि इफ़ यू थिंक के रोड है तो ग्रीन वापस ऊपर आ जाएगा अगर पावर में विकेट गिरती है तो, पर अगर नहीं गिरती एंड इफ ही इज केप्ट डू टू एट अ स्टेज के वो बहुत नीचे आते, तो देन ही बिकम्स ऑलमोस्ट अ नथिंग पिक, क्योंकि वो एक ही या दो ओवर डालते हैं मैक्स और फिर बैटिंग ज्यादा मिलेगी नहीं। तो वैसा यू कैन टेक अ कॉल बेस्ड ऑन योर विजुअलाइजेशन, क्योंकि ऑप्शन है, कंडीशंस विल डिक्टेट अलॉट। यस एब्सोल्युटली। एंड हमने देखा है कि जब स्लो ट्रैक्स है वो थोड़े हेसिटेंट रहे टू सेंड अप ग्रीन अप टॉप। एंड याद रखिएगा कि इस गेम में जो हमारे नेक्स्ट पिक है रवि बिश्नोई, उनके पास सारे मतलब सारे मुंबई इंडियंस के बैटर्स के लिए पूरे ऑल ओवर है। वो किशन को 3 बार आउट कर चुके हैं, रोहित को 2 बार, सूर्या को 2 या 3 बार, एंड किन्हीं का भी स्ट्राइक रेट इंप्रेसिव नहीं है इनमें से। सबका स्ट्राइक रेट अबाउट 100 to 120 रहा है। तो वापस एक बहुत बड़ा मैचअप रहेगा। एंड अगर इन सबको तकलीफें हो रही है, मतलब ये भी हो सकता है कि एंड ट्रैक प्लस अगर स्लो रहा, तो क्या टिम डेविड और कैमरन ग्रीन उनको रेस्क्यू करेंगे सिचुएशन से, वो क्वेश्चनेबल रहेगा। क्योंकि अगर इंडियन बैटर्स को ये तकलीफें हो रही है एंड स्लो पिच रहा, तो फॉरेन बैटर्स के लिए वो एक स्टेप ज्यादा ही डिफिकल्ट रहेगा टू एडजस्ट टू द कंडीशंस। करेक्ट करेक्ट। तो प्रॉपर जैसे मैंने शुरू में कह दिया, बहुत ही बढ़िया एक्साइटिंग गेम है, क्योंकि जो परसेंटेज प्लेयर्स है सिलेक्ट करने के वो आपके पास लिमिटेड है। यहाँ पे आपके पास 6 या 7 ही ऐसे प्लेयर है जो आप डेफिनेटली रखोगे, बाकी सब 4 जो पिके है वो कंडीशनल है। तो वैसे में फिर यू हैव अ लॉट ऑफ रूम टू एक्सपेरिमेंट एंड ऑफ कोर्स इट कैन गो इधर वेज। तो आपकी कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन भी डेफिनेटली शुड बी एज पर द कंडीशंस। अभी के लिए हम फॉर्म के साथ गए इन टर्म्स ऑफ स्काई एज अ सेफ चॉइस इन कृणाल, अगेन बिकॉज एक विकेट आ जाती है, फॉर्मर साइड है ऑफकोर्स उनकी, तो रन तो करना पसंद करेंगे वो। तो अगेन यू कुड गो विथ एनी ऑफ द टॉप 3 बैटर्स, यू कुड गो विथ ग्रीन एंड स्टोनिस एज वेल अगर अच्छा विकेट है। देखो स्टोनिस बोलिंग नहीं करी, पर बैटिंग से इफ ही गेट सेट तो आपको पता है वो क्या मिल सकता है आपको उसके साथ, तो प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस फॉर यू टू ट्राई आउट। यस एब्सोल्युटली। तो ये रही हमारी बेस टीम, कैप्टन एंड वाइस कैप्टन अभी के लिए हम सेफ ही गए हैं। बट बेस्ड ऑन द पिच रिपोर्ट एंड द इन्फॉर्मेशन हम वो चेंज कर सकते हैं। कहाँ चेंज करेंगे ना आपको कैसे पता चलेगा, हम आपको बता देंगे टेलीग्राम पर। उसका भी लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जरूर वहां जाके ज्वाइन करेगा। एंड एक्सचेंज 22 पर अब तक ये गेम लाइव नहीं है, तो अभी के लिए वहाँ कोई पिक्स नहीं, बट आप साइन अप कर सकते हो। आपको ₹50 रियल कैश मिल जाएगा ऑन KYC ऑन द ऐप। वापस लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और अब चलते हैं ग्रैंड लीग ऑप्शंस की तरफ। गो फॉर इट सर। तो देखो ग्रैंड लीग ऑप्शन में एक दो दो ने नाम डिस्कस कर चुके हम। पहला मेरे लिए होगा बिश्नोई, नंबर्स बहुत अच्छे हैं, मैचअप भी हमने देखा, स्ट्राइक रेट का इशू भी रहा है फॉर मुंबई बैटर्स वैसे सेम। होपफुली कंडीशंस वैसे हो तो बिश्नोई को डेफिनेटली आप बैक कर सकते हो। करस्पॉन्डिंगली चावला का भी रेट आप देखिए विकेट्स का तो कम हो गया है, बट दिस कुड बी द डे वेर ही कुड गेट 2-3 एंड 2-3 इन ओवर ऑल्सो, क्योंकि अगर स्लो विकेट है
तो सभी को स्ट्रगल होता है टू गेट गोइंग व्हेन यू आर जस्ट न्यू टू द क्रीज, तो उन दोनों स्पिनर्स को आप ट्राई कर सकते हो। बैटिंग में मेरे पास मुंबई से एक ही सबसे बड़ा मेरे को लगता है ऑप्शन है, वो है तिलक वर्मा, क्योंकि ही इज़ नॉट बीन पार्ट ऑफ द साइड, तो अगर वो वापस आते हैं और अगर ग्रीन के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं वो, तो देन ही हैज़ अ ग्रेट फैंटेसी पोटेंशियल टू गिव यू अ गुड 35-40-50 काइंड ऑफ स्कोर, फिर वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर एंट्री पॉइंट सबसे बड़ा फैक्टर है वे तिलक, तो तिलक या नेहल जो भी आपको लगता है कि ऊपर बैट करेगा और स्पिन को अच्छा खेलेगा उसको आप ले सकते हो। यस एंड इंटरेस्टिंगली मैंने जैसे कहा कि बिश्नोई इज़ ऑल ओवर द मुंबई बैटिंग, द ओनली एक्सेप्शन टू दैट इज तिलक वर्मा, वो उनके सामने 14 बॉल खेल चुके हैं, 27 रन बना चुके हैं, तो किसी का स्ट्राइक रेट अगर उनके सामने अच्छा है तो दैट इज तिलक वर्मा। सो इंटरेस्टिंग रहेगा देखने को कि हाउ दैट पार्ट ऑफ इट गोज। माई पिक्स फॉर दिस गेम आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम रिस्किंग माई सेल्फ एट गेटिंग ट्रोल्ड इफ दिस पिक्स कम रॉन्ग, बट टू बी ऑनेस्ट बिफोर आई गिव दिस पिक्स इट्स not coming more out of gut feel, it's just coming out of the fact ki what the conditions might dictate and what might happen, but this is one of those games jahan pe maybe I won't make more than 2-3 teams. So my first pick is Tim David if he's batting first, because like I said jo death bowling hai unke liye concern hai, and until and unless someone comes up with a bag of tricks on the day, there's a good chance for him to come good. Even in that game against LSG till that last over aisa lag raha tha ki wo game lekar jayenge, so maybe it's redemption day for him. And my other pick for this game is Chris Jordan, I think, and this is just keep in mind I said Tim David if he's batting first, but if Mumbai are bowling first then Chris Jordan, because humne dekha hai ki Puran bahut sare runs maar chuke hain and against Jordan also his matchup is good, wo 120 ka strike rate hai. But can Jordan come and give me a 2-for-50 spell from the other end jahan pe Puran batting nahi kar rahe, because other end pe bahut sare concerns hai for LSG. So this is totally fantasy potential, main aisa nahi bol raha ki wo 7 ya 8 ki economy rate se bowling kare, wo 14 per over bhi de mujhe takleef nahi hai until 2 wicket aa jaye, so that is the thought process. So bilkul aur yaad rakhna ye this could potentially be early calling, this could be an Avishkan type of game, so those who know, you know. So you want to back Yash Thakur, you want to back Akash Madhwal, Naveen Ulagh, please go ahead and do it. Always many, back many, many underrated death bowlers in both these teams, and many of them underperforming too. But if there are conditions where a death bowler's cutters and yorkers should work, it should be these conditions where there should be some grip in the track. So interesting rahega dekhne ko ki game कैसा जाए, तो जल्दी मिलेंगे एक और प्रीव्यू के लिए. And please keep in mind, like always, that this game might be habit forming or financially risky, तो संभाल कर खेलेगा. एंड उसके अलावा अगर financially risky नहीं बनाना है तो बहुत सारे free contests है, जो links है ना description में, सब जगह जाके sign up कर लो and you'll get a lot of free contests, and we'll see you soon for the next one. Do ensure to like and subscribe. Thank you so much for watching guys, see you soon.